नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी स्वाति एपी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो ढाबे वाले बनाते हैं ना, उस स्टाइल में आज हमने बनाई है सब्जी। और ये सब्जी हमने बनाई है टिंडे की। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी लग रही है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो चलते हैं, आज आपके साथ ये हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने 250 ग्राम टिंडे लिए थे। तो ये हमने बिल्कुल बारीक वाले टिंडे लिए, जो छोटे छोटे टिंडे होते हैं उसी प्रकार के आपको यहाँ पे टिंडे लेने हैं। तो इनको हमने छील के पानी से अच्छे से धो लिया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, टिंडों के बीच में कट लगाएंगे। इसको काटना नहीं है, अलग अलग नहीं करना है इसको, बस चाकू से हमें इस तरीके से इनमें कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसको मसाले में डालेंगे तो मसाला अच्छे से इनके अंदर तक चला जाए। तो इसी तरीके से मैं सारे टिंडे काट के रख लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे दोस्तों। तो देखिए तेल गरम हो गया है अच्छे से, देखिए धुआं निकल रहा है, सरसों का तेल है तो इसको ज़्यादा हमें पकाना होता है। अगर इसको हम कच्चा रखेंगे तेल को, तो इसमें स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे हम इसमें तड़का लगा देते हैं जीरे का, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे दोस्तों। और जो हमने टिंडे काट के रखे हैं वो टिंडे हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इनको अच्छे से मिक्स करके हमें इसको टिंडे को 50% तक गल जाने तक हमें इनको पकाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से हम पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने टिंडे को पका लिया है, और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं तेल से। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे टिंडों को बाहर निकाल लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप भी ज़रूर बनाइए सब्जी और खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो टिंडों को हमने सारे बाहर निकाल लिए हैं, जो ये तेल बच गया है उसी के अंदर हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े प्याज लिए थे, इसको हमने बारीक पीस लिया है मिक्सी जार में। हम इसको पीस के इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए इसके अंदर, इस वजह से हम प्याज को पेस्ट बना के डाल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने डाल दिया है गरम मसाला, और यहाँ पे हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, तो वो डाल देते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करके हम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे दोस्तों। तो जब तक हमारा मसाला पकता है, तो यहाँ पे हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो जिस बर्तन में हमने ये पेस्ट डाल रखा है, तो उसी में हम मसाला बनाएंगे। तो 1/2 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है हमने, और 1/2 चम्मच लिया है हमने हल्दी पाउडर, और आधे से कम हमने ली है काली मिर्च पाउडर। तो दोस्तों, कुछ सभी मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो ये मसाला घोल के डालने से और भी ज़्यादा सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मसाला भी पक गया है। ये देखिए, प्याज लहसुन हरी मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। तो जो हमने ये मसाला घोल के रखा है, तो ये मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और ध्यान रखिएगा, मसाला पकाते समय आंच को बिल्कुल धीमी रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिया है दही, तो आज हम दही वाले टिंडे बना रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमें दही चाहिए, तो यहाँ पे हमने दही लिया है, और इसको अच्छे से हम फेंटेंगे दही को, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसमें सब्जी में दही डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए, हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है दही को, और मसाला हम चेक कर लेते हैं कि मसाला हमारा पका है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला कितने अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखिए, तेल किस तरीके से ऊपर आ गया है, इसका मतलब मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक के तैयार हुआ है। और मसाले को हमने बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकाया है दोस्तों।
तो यहाँ पे जो हमने टिंडे पका के रखे हैं तेल में, वो टिंडे हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे दोस्तों। अगर आपको पतली सब्जी खानी पसंद हो तो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हो, लेकिन टिंडे जब मसाले के होते हैं तो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम इसको ढक के 5 मिनट पकने देंगे। तो देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए टिंडे भी अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए और देखिए कितनी अच्छी सब्जी लग रही है ना दोस्तों, तो सोचिए खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। अब जो हमने दही फेंट के रखा है वो दही हम इसके अंदर डाल देंगे दोस्तों। तो ये सारा दही हम इसके अंदर डाल देते हैं दोस्तों और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी, पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है हमें। यहाँ पे इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। दही डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है दोस्तों, बस 2 से 3 मिनट ही, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसको पकाना है। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हमारी सब्जी लग रही है। इस सब्जी की महक से मेरा पूरा किचन इतना महक रहा है कि बाहर तक इसकी खुशबू जा रही है सब्जी की। और ये देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी लग रही है, लग रही ना ढाबा स्टाइल सब्जी, जैसे ढाबे वाले बनाते हैं उसी तरीके की आज हमने ये सब्जी बनाई है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पूरा हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत